కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భుజగేంద్రహారం శ్రద్ధావసంతం హృదయారవింద భవం భవానీ సహితం నమామి. आदमी लखनऊ में चलती गाड़ी से गिर पड़े फिर भी बच गए, कमाल है भाई, कैसे गाड़ी बनो लिया सरकार। अरे मुखिया जी क्या हुआ, क्या हुआ? हमें ई मुसीबत से बचा ली। अरे तू तो खुद है कि बहुत बड़ी मुसीबत हुआ, तोहरा के का बचाई, फिर भी बताओ का बात। अरे जग्गा के आदमी हमरा से महीने के 5,000 रूपए रंगदारी मांगत आ रहे, इतने तो कमाई भी नहीं के महीने के। अरे तोरा से तो 10,000 रूपया मांगे के चाहिए, 10,000 बहुत मिलावट के माल गांव वालन के मिला के खेवले हुए। अरे मुखिया जी, फिर भी ये मुसीबत से तोरा के दोनों भाई भोजपुरिया बचा सके ना। भाई भोजपुरिया? अरे वो है अपने गांव के दुई लाल, अरुण और वरुण। अच्छा अच्छा, धन है वो माई जौन ऐसा दुई लाल पैदा कैलस, वह दोनों लाल हुए जौन मार का बदला मार से और प्यार का बदला प्यार से देवे जाने लें। प्यार के बदला प्यार से पैवा, मार के बदला मार से, हर दू गो सुरमा हमनी दोनों यूपी और बिहार से।
ठगी चोरिया भाई हमनी के बता दे भाई। हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया जाने दुनिया जहान दिल बाटे धनवान रे भाई जाने दुनिया जहान दिल बाटे धनवान करी नहीं बेईमानी ठगी छोरिया भाई हमनी के बोलनी क्या हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया अखिया में असवा हमनी से देखल ना जाला अरे कौनो सितम हो कौनो दुखवा दिल भर दिल ना घबड़ाला केहू के न चोट पहुँचे हमनी के बात से दीहे अर्ज करी ले जा बाबा विश्वनाथ से अर्ज करी ले जा बाबा विश्वनाथ से अब वो घटी नहीं शान चाहे चल जाए जान अब वो घटी नहीं शान चाहे चल जाए जान नहीं करें जब के होके कर चोरिया हाई हम निकल हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया भाई हमनी के भाई भोजपुरिया सेवा सबके भलाई प्यार करे सिखलाई ले हर मौका पड़े ता हाथ लात के ताकत भी दिखलाई ले सब कर भलाई होके हमनी के हाथ से ये दुआ मांगे लीजा बाबा वैद्यनाथ से ये दुआ मांगे लीजा बाबा वैद्यनाथ से मथ माई में परान माई देवी के समान बस माई में परान माई देवी के समान पतिया ले आवे जो बहुरिया कभी माई नहीं बोल भाई बोल बोल बेटा भोजपुरिया तभी माई कही बेटा भोजपुरिया तभी माई कही बेटा भोजपुरिया तभी माई कही बेटा भोजपुरिया जाने दुनिया जहान दिल बाटे धनवान रे माई जाने दुनिया जहान दिल बाटे धनवान करी नहीं कोई मन ठगी छोरिया है हमनी के माई ए माई हमनी के भाई भोजपुरिया हाय 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 हमनी के भाई भोजपुरिया। एक रोटी और ला। बस बस भाई हो गई। आजकल देखत है तू लोगन के भूख बहुत कम हो गई बा तू एक ले लो बेटा भाई बस इतना खाए तो पेट फाट जाई लागत है आज सब्जी नीमन नहीं बनल है का करी बेटा अब बुढ़ापा आ गेल ना अरे माई ए इतनी नीमन सब्जी हुए कि मन कर रहा था कि उंगलियां चाट जाई और माई एक बात सच कही सौसे गांव में तोहरा जैसन सब्जी क्यों नहीं बना सका का भरो ना बिल्कुल भाई बस बस फिर शुरू हो गई तू लोगन के गोल मटोल बात अभी लल्लो चप्पू से काम न चले बेटा देखा
अब तू लोग बड़ा हो गए बड़ा, अब कुछ काम धंधा करी के सोचा, जैसे घर में चार पैसा आवे। फिर हम तोहनी लोग के शादी ब्याह के बारे में सोची। अभी चूल्हा चौकी कह के हम थक गई नी बेटा। भाई काम धंधा तक तो ठीक बा, लेकिन शादी ब्याह के लिए बहुत जल्दबाजी है काबरून। वैसे भी भाई हमनी दोनों का उम्र तो देखना भाई कितना छोट छोट है। बिल्कुल सही कहा था मैं, ये मुसीबत से दो चार साल दूर रह जाए तो बहुत अच्छा हुई। दो चार साल? अरे यहाँ एक दिन का भरोसा नहीं थे, और तू दो चार साल के बात कर रहा तारा। बेटा अब तो हमारे दिल में यह इच्छा रह गई है कि मरे से पहले अपनी पोता पोती के मुंह देख ली। पार्टनर लगातार माई सीरियस हो गई ला भाई, चला हम लोग भी सीरियस हो जाए जाए और चला। कहाँ चला? अरे कहाँ चल जा। अरे ये बगलौन मारो मारो मारो। कहा पारो कहा? ए पारो कब तक इंतजार करी जाई हो? धन्नो सब गड़बड़ है गड़बड़, सब जगह मजनू लैला के इंतजार करेला। यहाँ तो लैला मजनू के इंतजार कर था। उल्टी गंगा बह रहल बा, उल्टी एकदम उल्टी। पारो धन्नो धन्नो का बात हो पारो, आज तो एकदम मलाई चाप लागत आड़ू। ये सब तोरे प्यार के असर है, तू तो हमरे दिल का धड़कन बन गई ला अरुण। दिल जाने ला हमरी जरूरत बन गई ला तू, प्यार की एक अजब नसीहत बन गई ला तू। जिंदगी गुजार देव राजा तोरे इंतजार में, दिल तो देहली जान भी दे दो तोहरे प्यार में। धन्नो आज तो मिलबू हमरा के भरोसा ना रहे। ना मिलत ते राजा के हर जाइब हम तोहरे के पाइब जे हर जाइब हम। धन्नो बल ओढ़निया लाग करे कोशिश के छिपाई सारी बतिया, मन के हर बात बतावे तोहार दोनों अखिया। जाके बितैलू हा ए रानी सारी रत। ए बढ़िया वाली कहां चलू। गाल गुलाबी चाल शराबी, काल गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार। ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार। ओढ़निया वाली से काल गुलाबी चाल शराबी, काल गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से हो गई बा प्यार। ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गई बा प्यार। ओढ़निया केला पाज कलाई में खंग
कठन सुन के मनवा सनकेला। अरे होठ के लाली नैन के काजर बाल के गजरा महकेला महक से मन मद होत भइल बा नशा में देहिया बहकेला उसने के रानी चढ़ल जवानी अरथा से रानी चढ़ल जवानी रूप चंदनिया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से। तन में अगिया लगावेला ओ चोटी पर चोटी चोटी में फीका रंग जमावेला कमर पहले दावे भाई गजब जोश गावेला भौवा तनुहिया घर तन सुरहिया भौवा तनुहिया घर तन सुरहिया कमर कोइया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से गाल गुलाबी गाल शराबी गाल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से ऑर्डर ऑर्डर तमाम गवाहों के बयानात वकीलों की जिरह और पेश किए गए सबूतों के बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इसलिए अदालत अभियुक्त राम प्रसाद वल्ल नागेंद्र प्रसाद को बाइज्जत बरी करती है। आओ बेटा आओ, हमके जज वीरेंद्र माथुर पर पूरा भरोसा रहा, वो न्यायमूर्ति हूं है। उनकी अदालत में कबहू अन्याय नहीं हो सकेला। अरे एहे में कोनो शक हा, तभी तो लोग उन्हें इंसाफ के देवता कहलन। ईमानदारी और सच्चाई उनके नस नस में समाइल है। भगवान करे ऐसे दो चार जज और हो जाए तो ये देश का कल्याण हो जाए। प्रसाद भगवान के आशीर्वाद हा, हमने के प्यार सदा आपसे ही मिला था। हमनी के वास्ते तो भगवान देवी देवता सब कुछ आप ही हैं। दुनिया में प्यार माई जैसन हो
प्रणाम हो। माई के चरणिया में बसे चार धाम, सबका से पहले करे माई के प्रणाम हो। बिना माई पूजले तीरथ, बिना माई पूजले तीरथ, धाम बा बेकार माई जैसन हो, माई जैसन हो। के करे दुनिया में प्यार माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार। अरे वाह, इतना मधुर गीत। अरे तुमने लोग के तो गीत सुन के हमार मन गदगद हो गया। अरे इतना कम उम्र में इतना बड़ समझदारी की बात। बड़े पापा एगो बात कही। हाँ हाँ बोलो बेटा। आज शाम के कहीं बाहर घुमावे ले चले ना। जरूर ले चल, सांझ के तू सब लोग रेडी रही। अरे हम रेडी हैं मंत्री जी। अबे सरो लोग, तू लोग यहाँ ताश खेला था वो बॉस। अगर नाम जगमोहन और जग्गा है। अरे मंत्री जी आप चिंता ना करी, हाँ आपके काम हो जाए। ये हमारा आपसे वादा रहल, लेकिन एक बात याद रखी हुजूर कि इस बार पूरे बिहार के शराब के ठेका हमारा के मिले के चाहिए। आप भी इलेक्शन की चिंता ना करी, इस बार इलेक्शन आप ही जीता था। हाँ अरे भाई हमारा वादा रहा आपसे, एकरा खातिर 10-20 गो कोनो खून भी करेगा पड़ी तो हम पीछे ना हटब। हाँ हमारा के थोड़ा से है उम्मीद। धन्यवाद। हाँ कारे गोविंद, शहर में सब ठीक ठाक चल रहा बा ना? जी हजूर, सारी वसूली बराबर हो रहा बा। पर हुजूर उराम नगर वाला लाला बा ना हुजूर? हाँ हाँ उराम नगर वाला बनीवा का कलेसु बस आज कल करा था। हम कहले के सराव बात सुनिए तो बहुत गुस्सा करे हैं। तो का कहलेस? बस हजूर मीठी मीठी बात करते रहो, पैसा देवे के नाम ही ना लेता। जी कहत रहे हाथ पाँव तोड़ डाली सर के। हाथ तोड़ डाली तो तोड़ के कहना आइले है? हाथ पाँव तोड़ डाली। अरे ई लाते के भूत बातें से ना माने लेन। कल सवेरे जाइए और ओकरा से पैसा लेके आइए, और अगर सरवा ना दे तो मार मार को हड्डी तोड़ दिए और घटे की हमारे पास रही है, बुझले? जी हजूर, कल हम खुद जाते हैं, देखा था ससुरा कैसे ना पैसा देता। हाँ समझ में आ गए तोरा के। गोविंद जी हजूर, शराब तो आ गई, सबाब कहा बा? वो ले आई लाई अपना फार्म हाउस पे रख ले आई, रात के प्रोग्राम फिक्स बा। Thank you.
नजरिया नजरिया हमसे बड़ा ला हो नजरिया हमसे अमिताभ जी भगवान, ये कौन चीज की पवन सीधी करते हैं आप? अरे बुड़बक पन्ना फट गवा है, माफ कर दे हम। सब सफा चट। अरे पहले के जमाने में घाघरे का घेर रहा, चोली का हेर फेर रहा, लंबी लंबी चोटी रही, चोटी गईल बस लंगोटी रह गईल, तई कभी उतार था ना उतार 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 नौकर का देखा थे, मालिक के देखे की चीज है, भाग यहाँ से। लाला जी लाला जी, हमार पोतवा बहुत बीमार है, हमें 100 रुपया की जरूरत है। का लाई हो गिरवी रखे के खातिर? हमरा पास तो कुछ भी ना ही है, हम तो गरीब हैं। यहाँ खैरात बट रहा है का? जा यहाँ से। अरे ये लोग बस चले तो दिन दहाड़े हम का लूट ले। लूट का नाम लिए तो लूटे रहे आए गए। अरे लाला चल बाहर निकल। आज का ताजा खबर, लाला 3 दिन के लिए बाहर चल गयी, 3 दिन बाद आई। कहाँ गयी? कटिहार। मगर तू क्या हुए रे? हम
दूरदर्शन का चैनल नंबर 1 है। अब अपना मनपसंद गाना सुनो। सावन का महीना पवन करे शोर, जरा ऐसे झूमे जैसे बल पावे मो 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 मो। का भाई? अरे आगे गाना, आगे का, आगे का, आगे गाना भुलाए गेल, आगे भुलाए गेल, भुलाए गेल। अरे ये तो लाला लगा था। लाला अरे भाई हमारे पास कुल 1000 रुपया है, ले लो। तलवार नहीं चाकू है। 1000 रुपया देते हुए तो हमारा के हम भिखारी है, हम तोरा से भीख मांगा भाई। हम आपको करे हैं, हम तेरे हां कुछ दिल। अरे भैया काहे मारत रहा लाला जी के? ई सब पूछ रहा तू, सब क्या हुआ रे? भाग जा साले, नहीं तो पेल दे चाकू भाई। ए भाई, ए भाई, भाई छोरा औरा से तो बहुत डर लागला। हम ही दोनों बहुत शरीफ बानी, ऐसेन करा भी ई छोरा अपने पास रख ला और चल जाए, जैसे कृपा करके चल जा। हाँ। सर तू हमरा आगे बोलबे, हमरे बॉस के नहीं जाना तेरे तू। ए हम तोरा के और तोहार बॉस के दोनों के बहुत अच्छी तरह से जाना था। जाने ले तो फिर भाग जो यहां से। ए वरुण इलतखोर हा, बात से नहीं लाते से मानी। हां वरुण, वरुण कर दा सबका ढुसुम ढुसुम चल। मजा आ गई। घुमरी पराठा, घुमरी पराठा, घुमरी पराठा, घुमरी तलिया का ताल दे दे, घुमरी तलिया का ताल दे दे, ताल दे, ताल ड्राइवर जी। मालिक ये दोनों लड़का कौन हवा? ये दोनों अरुण वरुण हमें मालिक, लोगन के भलाई खातिर अपन जान भी देवे के तैयार रहेंगे। दोनों बहुत अच्छा लड़का है, बस्ती के लोग इन्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा चल। टकले छुरा मरबे, छुरा मरबे, भाग 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 गईले गीदड़ सारे। अरे ससुरा लाला भी भाग गई जनहता। चला चला, चला घरे चला, मां इंतजार करत होई। के बारे सामने आबा आबा, मारिंग ती लाठी फोड़िंग ती कपाट, दंदर कर दंदर कर दंदर कर दंदर कर। इधर ससुर बड़ा लाठी बाज बनत है। हां बाप रे, सांप निकल गेल तो लाठी पीटत है। निकल यहां से, निकल 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 लारे। अरे भरा हो अरुण वरुण का जैसे आकाश में गरुण। हवाई जहाज उड़त है, गिर जाई तो हम दब जाइबे। लाला डूब लगा के निकल ले, तुम दबा के निकल। हरामी का पिल्ला लोग मार खा के मुंह लटका के गईला। का जाना तराला तोनी के देख के जग्गा के सीना गर्भ से चौड़ा हो जाई। ओ तुई को रहलन और तू लोग आठ को, आठ को फिर भी पिट पिटाई का गईला। ओ तोनी कैसन धोस जैसे धोबी कपड़ा धोवेला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आवत, ई दुई को दारा सिंह कहां से पैदा हो गेलन रे? का बताई साहब, ससुरन के हाथ पांव इतना तेज चलेला जैसे बिजली के करंट भरल बा। कब हाथ उठल और कब लात कुछ समझ में ना आयल साहब।
रुई के तरह धुन दिया नसन साले हमनी के देखते देखते रुई की तरह धुन देलन। वाह वाह रे हमरे माटी के शेर वाह कुकुरन से मार खा का गेलन। अरे भिकना हैं तो बहुत बा भल्ला बाजत रहले और उ तो रामपुरी चाकू जेकर रोज तू धार देत रहले का भइल कुन तो गेल का बताई बॉस ई सब का हो गेल और कैसे हो गेल कुछो समझ में नहीं के आवत। हम सब धोखा खा गईली धोखा खा गई माकन के बदले में चूना चाट गई तब माटी भी चाट समझ गई कि तू लोग से कुछ भी ना होई जे भी करेगा हम ही के करेगा। ई काम एक आदमी कह सकेला देवा देखा देवा भैया ई उनन के माई भी आ ए के हो तू लोग ये बदतमीजी के का मतलब है? चुप बढ़िया कहाँ बड़े तुहार दोनों पहलवान लड़का। अरे हम पूछे थे तू लोग के हवा चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ वरना तू का कर ले भी हम कुछ नहीं करब बेटा तोहरा लोगन की जिनकी जन्म हो जाए देख एक मिनट में दोनों अपने लड़का के पता बता दे ना तो कसम भूतनाथ के पूरे गांव के सामने नंगा नाच रचाई राक्षस लागा तो तोर अंत आ गइल बा ये सारा बस्ती हमरे के माई मानेला और कौन औलाद अपना माई के बेइज्जत नहीं सह सकत। देख तू ही आग से मत खेल वरना भस्म हो जाइबे छोड़ दे चल नंगा नाच भाई छोड़ा ला जाए अरे देवा देवा का भइल हजूर अरुण वरुण के साथ पूरी बस्ती हमली पर टूट पड़ल और हमली के वहां से मार के भगा देला। अरे मुंह का देखत बड़ा जा बम निकाला और पूरी बस्ती बम से उड़ा दा केहू बचे के ना चाहे लड़का बूढ़ा जवान सबके मार डाला। ओहो आखिर का भइल बात का हा? बात उस ससुर दुई को लौंडा मच्छर का औलाद ससुर हमारे खिलाफ जग्गा के खिलाफ युद्ध के ऐलान करे बाड़न पूरी बस्ती के हमारे खिलाफ भड़का देने बाड़न पूरी बस्ती में आग लगा दा जला के राख कर दा। ओहो पागलपन का बात मत करें शांति रखे बैठी 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 देखी जब राही के कुसा बढ़ जाए ना तो मैं मट्ठा डाल देवे के चाहे ये हमार ना चाणक्य के नीति तक्का चाणक्य के नीति लेके हम चाटी हैं कल सवेरे पूरा शहर हमारे मुंह पे थूकी कल के लौंडा ससुरे हमारे सामने ताल ठोकी है कुछ ना हुई ताकत से नहीं दिमाग से काम लें सांप भी मर जाई और लाठी भी ना टूटी का मतलब मतलब बतावत है माई रे माई ए माई खाना दे रे माई भूख लगल बा माई दे 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 और भूख भी ऐसन कि पेट में चूहा कूदत हुए हां बेटा घर में अनाज के कौनो कमी नहीं खे जाके बना के खा ले का खाना बना के खा लें हम लोग अरे हम लोगन के खाना का बनाए वाला माई देख रहे हाँ। तो सीख लो बेटा और चूल्हा चौकी के बाद बर्तन धोवे की भी तैयारी कर लो अब बर्तनों मांजे की पड़ी हाँ बेटा का करी मजबूरी है
अब हमार उम्र हो गई हवे, अब हमरा से ये सब काम नहीं हो सकत। तू खाना बनाओ, खो और अपने भाई के भी खिया। वरुण बुझला जा, माई गुस्से में भैया समझ ला भैया। अच्छा एक बात बतावा। बोल माई। तू लोग लड़की ढूंढे गए रहला ना, तो का भाई? मायू गांव के नजदीक तक बारात आ गई बा और कनेक्शन जुड़ी, जुगाड़ हो जाए भाई, थोड़ा सबूर कर भाई बस। अब हम जरा भी सबर नहीं कर सकी, हम लड़की ढूंढ लेले हैं और तू दोनों के उहे लड़की से ब्याह करे के पड़ी। का भाई तू लड़की ढूंढ ले लू? ढूंढी नहीं ले ले हैं, बातचीत भी पक्की कर चुकल है। कहा अब बात भी पक्की कर चुकल हो? हाँ। अब कहो यारुण। माई लड़की देखे से पहले तू जवान बेटा लोगन से राय मशवरा तो कर ले के चाहत रहला ना माई? बेटा हमार माई बाबू हम लोगों से कोई सलाह मशविरा नहीं कहले, फिर हम तोरा लोग से काहे के मशविरा करे? ए, 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 माई वो जुग जमाना दूसर रहे, अब तो हम पुरान जमाना के हैं बेटा, बंद करा अपन ही बकबक। अब तो दोनों की वही ब्याह हुई जहाँ के हम चाह। अरे भाई 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 मोर प्यारी भाई भाई वो तो खूबसूरत लेकिन का काम ही माई चेकरा से अभी दोनों का बड़ा बड़ा तगड़ा इलू इलू चला था भाई, बड़ा तगड़ा इलू इलू। ये का होला? इलू इलू नहीं खे बुजार। ए माई इलू इलू मतलब आए ला ई समझ के माई की बात बहुत आगे तक बढ़ गई ला। हाँ अब कुछ नहीं हो सकेला बेटा, तू दोनों के ब्याह वही होई जहाँ हम करब, ई हमार अटल फैसला बा। अरे माई माई तू मुझे का कोशिश काहे नहीं करता भाई, हमनी का मोहब्बत उजड़ जाई माई, हमनी का खूबसूरत सपना कार्य भरून खूबसूरत सपना टूट के चूर चूर हो जाए भाई। ए भाई पसे से पहले चिरई का खोतवा काहे उजाड़ा ताड़ू भाई। हम तोहार घर बसावे के बात करत हैं और तू लोग चिरई के खोता में रह के बात करत बड़ा, हमार फैसला अटल बा। बेटा तू डार डार तो हम पात पात, आखिर हम तोहर माई हैं। अच्छा बेटिया अब तू लोग घरे जा, हम तोहरे बाबूजी से बात कह के चट मंगनी पट ब्याह कह के तोहार डोली अपने घर ले आई। अब है जरा धीरज रखा, अब है तोहार ब्याह नहीं के भाई। अब बतावा बेटा तोरा माई के पसंद कैसन बा? बस विचार बा ए राजा चुम्मा से चली नका, ए बबुआ चुम्मा से चली नका, छैला चुम्मा से चली नका, ए राजा चुम्मा से चली नका। अरे अंग्रेजी फैशन छोड़ा है देसीला रंग में आवो, जब ले होत नहीं खे शादी चुम्मा से काम चलावा बुझलू कि नहीं? लागल रहा लागल रहा।
हारी देहिया हारी जो बना ढोले नाही ढोवात बा तोहरे कारण खाई न पीगत पूछो नाही सुहात बा निंदिया नाही सिज पे आवे यारला मन गौरात बा करवट फेरत रात गुजारी का करी कुछ न बुझात बा चुम्मा से चली नका हे बबुआ चुम्मा से चली नका ए राजा चुम्मा से चली नका ए बबुआ चुम्मा से चली नका पुलिस जी दरोगा जी बोली का बात बा बात तो हम बताएंगे पहले ये बताओ कि तुम दोनों लोग अरुण वरुण हो हाँ तो अब हम बता देते हैं कि हम तुम दोनों को गिरफ्तार करने आए हैं हाथ कड़ी लगाओ हवलदार हाथ कड़ी लेकिन हमने के कसूर कहा दरोगा जी कहा है हमरे बेटवन के हाथ कड़ी लगावत है दरोगा जी बताता हूँ देखिए इन लोगों पर आरोप है कि एक लड़की का बलात्कार किए हैं बलात्कार बलात्कार ये गलत आरोप है दरोगा जी क्या बात कर रहा बलात्कार क्या बलात्कार हमनी के कोनो बलात्कार नहीं कहली दरोगा जी झूठ बोलत हवे नहीं दरोगा जी नहीं ये झूठ है माई नहीं माई ये झूठ बोलत हारन हमार बेटा ऐसे नहीं कर सकते नहीं देखो कर सकते बहन जी आपको जो भी कहना अदालत में कहिएगा ले चले लोग के दरोगा जी छोड़ दे हमरा बेटवन के छोड़ दे हमरा बेटवन के घबरा मत माई हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे चलो जीप पे बैठो चलो जीप पे बैठाओ दोनों को और चलो तेरा सखी मां जी तेरा सखी मां जी हम जानत हैं अरुण वरुण कभी कोई गलत काम ना करी है अगर भगवान चाहिए तो वो लोग जल्दी वापस आ जाइए बिटिया अब पता नहीं हमरे अरुण वरुण का क्या होई पता नहीं कुछ नहीं होई माई रहूंगा घबराई नहीं सिट डाउन प्लीज ये दोनों अरुण वरुण हमें मालिक लोगन के भलाई खातिर अपन जान भी देवे के तैयार रह रहे दोनों बहुत अच्छा लड़का हमें बस्ती के लोग इन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए मिलर्ड कटघरे में खड़े ये दो मासूम से दिखने वाले इंसान एक बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं इन्हें इंसान कहना भी गुनाह है मिलर्ड ऑब्जेक्शन मिलर्ड ऑब्जेक्शन सस्टेन योर ऑनर अभी तक हमारे मुवक्किल अपराधी साबित नहीं हुए हैं हमारे विद्वान दोस्त अपने अल्फाज पर लगाम लगाएं और लंबी चौड़ी बातें न करके सीधे मुद्दे की बात करें आई एम सॉरी सर मेरा मतलब किसी पे आक्षेप लगाना नहीं था योर ऑनर लेकिन ये दोनों मुलजिमों ने जो जघन्य अपराध किया है वो माफी के काबिल नहीं है योर ऑनर इन्होंने दिन दहाड़े एक मासूम लड़की जिसका नाम बिंदिया है उसके साथ बलात्कार किया है उसकी आबरू उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है योर ऑनर मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इन दोनों मुलजिमों अरुण और वरुण को सख्त से सख्त सजा दी जाए और बिंदिया को अदालत में बुलाया जाए बिंदिया को कटघरे में बुलाया जाए बिंदिया हाजिर हो जा जा, नमस्ते हुजूर इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी हम जो कुछ कहब सच कहब सच के सिवा कुछ नहीं कहब हाँ तो बिंदिया जी अब आप तफसीस के साथ अदालत को बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ था हुजूर माई बाप
उस दिन हमारे संतोषी माता के 16वां शुक्रवार का व्रत रहे। हम बच्चन में प्रसाद बांटत रही कि कहीं से ही दोनों अरुण वरुण हुआ से गुजरत रहे। हमारे करीब आकर कहे लगले कि बिंदिया बहन हमने की प्रसाद दे दा। हम प्रसाद दे देली, फिर कहे लगले कि हमें पानी दे दा। हम घर के भीतर पानी लेवे गई नी कि लोग घर के भीतर घुस के दरवाजा बंद करके हमारे साथ जबरदस्ती। हुजूर ये ससुरी सरासर झूठ बोलत भी हुजूर, ये सच नहीं बा। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, यहाँ गाली गलौज नहीं चलेगी। हाँ माई बाप, सच बात तो ये है कि बिंदिया हमरे बस्ती की एक बदनाम लड़की है, ये बात सब जानेला। और जस साहब जरा सोची, हम दोनों भाई शरीफ और संसारिक परिवार से बानी, भलाई मीस पतुरिया के घरे हम लोग पानी भी कैसे पी सकेला, जरा सोची माई बाप आप। ऑर्डर ऑर्डर। हुजूर इनका मकसद पानी पी के रहल भी ना, इनका मकसद हमारी इज्जत लूट के रहल। ये बकत ये दोनों शराब के नशे में थे। खामोश, झूठ मत बोल। हुजूर ये सरासर गलत और झूठी बयानी करत है, हम लोग शराब पिए के बाद तदूर कब्बो शराब छुए भी नहीं। भगवान का कसम हजूर, हम लोगों का झूठ मूठ ही केस में फसाया जाता हुआ, अगर तुम लोगों को बेबुनियाद फसाया जा रहा है तो क्या यह मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी है? तुम्हारे वीर के कण मतूला के योनी में पाए गए, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारे आस पास पड़ोस के गवाह, क्या वो सब भी झूठे हैं? वकील का बच्चा मांगा करके। ऑर्डर ऑर्डर, अगर दोबारा ऐसी हरकत की आप लोगों ने तो आप लोगों के खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी। माफ करिए हुजूर, बहस जारी रखी जाए। तमाम गवाहों सबूतों और वकीलों की जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारे सबूत अरुण और वरुण के खिलाफ हैं, और सबूतों के आधार पर अदालत की नजर में दोनों दोषी पाए गए। अतः उन्हें दोषी मानते हुए अदालत उन्हें बामशक्कत 7 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बेटा, बेटा, अदालत धोखा खा गई, दुनिया तो लोग के मुजरिम मान लेना, पर हम रखे पूरा विश्वास बा कि हमार लड़का निर्दोष बाड़न। बेटा हम के अपने दूध पर पूरा यकीन बा, तू लोग कौन आभला के लाज पर हाथ नहीं डाल सकता। बेटा जा, ये 7 साल तोहार माई अपने कलेजों पर पत्थर रख के ताने लोग के रास्ता देखे। बेटा बाकी जग्गा, ये जग्गा के एक माई के आ हमार आ ओ क्या के खा जाई। बेटा भगवान ओकर कभी भला ना करी है, कभी भला ना करी है। बेटा भाई तोहार क्रिया, ये रावण का नाश, हम दोनों भाई के हाथा हुई माई तोहार क्रिया, याद रखिए। अरे छोड़ अपने तो के जाकर तुम खाई के जेल में भगवा गाओ। बेटा माँ जी, माँ जी का भाई, का भाई माँ जी। बेटी हमरा लालन के 7 साल की सजा हो गई। बेटी कहा माँ जी? हाँ बेटी, अब हमारा अरुण वरुण
इतना साल जेल में कैसे कटी है? ये सोच सोच के तो हमार बुरा हाल हो रहा है बा बेटी। माँ जी धीरज से काम लें, होने की तो कोई ना रोक सकेला। कौनों भी तरह से अब ये समय कटही के पड़ी। माँ जी रहुआ घबराई नहीं, हमने के सदा तोरा साथ हैं। घरे चली माँ जी घरे। ये दोनों अरुण वरुण हमें मालिक, लोगन के भलाई खातिर अपन जान भी देवे के तैयार रहे। हजूर इस ससुर सरासर झूठ बोलत दिया हजूर, ये सच नहीं बा। का बात है? आज शाम से ही संजीदा लागत है, खाना भी ठीक से ना खेली। ना आरती ऐसा कोनो बात नहीं की, बस ऐसा ही कुछ मन अनमना सा लग रहा है। देखिए जी, बिना कुछ बात के मन अनमन ना होला, कुछ बात तो जरूर बा। दुख हो या उलझन, आपस में बात लेला से हल्का हो जाला, बताए ना प्लीज। आरती, आज एगो कोर्ट में हमरा ऐसा फैसला सुनावे के पड़ल जेकर मन हमार गवाही ना देत रहे, बाकी सबूत और गवाह के आधार पर उन निर्दोष के हमरा सजा सुनावे के पड़ल। हम कानून के आगे मजबूर हो गए आरती, मजबूर हो गए। बाकी हमार मन कहत रहे कि दोनों निर्दोष बाने, आज हमरा समझ में आए कि कानून अंधा होला, अंधा। वो दोनों निर्दोष के चेहरा आज बार बार हमरा आंखी के सामने आके हमार मन दुखी कर रहा बा, बहुत दुखी कर रहा बा। कानून तो अंधा होला ही, आप सबूत और गवाह के आधार पर अपन फैसला सुनौले हैं, इकरा में दुखी होके के कौन बात बा? दिल के फरियाद और जज्बात के वहां कहां कोई जगह बा। हाँ आरती, बात तो तू ठीक है कहा था, बाकी हम एक इंसान भी हैं और इंसान के दुख दर्द हम किसे भुला सकेगा। बतावा वो दोनों नौजवान लड़कन के चेहरा हमरा आंखी के सामने से उजल नहीं किया हो। ऐसी घटना तो आपके जीवन में कई बार हो चुकल हो, आप कानून के दायरा में बन जाई बानी। आपकी तो सदा सबूत और गवाही के पगडंडी धर के ही चले के पड़ी। कोर्ट के बाद कोर्ट में सोचे, चली दूध पी ली और सुते चली आई। वकील साहब मान गयी भाई, मान गयी, चल गया ना ससुर 7 साल के लिए अंदर, चल रहे जग्गा से दुश्मनी मोल ले। लेकिन एक बात बा, तेरी तुहार जितना तारीफ कैल जाए उतना कम बा भाई, पूरे शहर में तोरे से ज्यादा खोर्राट दूसर नहीं क्या। तारीफ के लिए शुक्रिया हुजूर, लेकिन एक बात बताओ, ये सब आपके सोबत का असर ना है। वाह तिवारी जी वाह, बहुत निमन बात कहला है। अच्छा इला इला तू पहले अपन लिफाफा। अरे रामू, अरे रामू जी मालिक। अरे भाई जो शराब वाला कैरेट बा ना वकील साहब के गाड़ी में रखवा दा। अच्छा मालिक। जग्गा साहब बात ही बा कि आप जैसन दिलेर और आप जैसन दानी ये शहर में क्यू नहीं कह। तारीफ के लिए शुक्रिया वकील साहब, लेकिन एक बात बतावा, जो तुहार सिविल लाइन में बंगला बनत रहल बन गेल? अरे बन रहल बा, कुल अड़चन दूर हो गई। वाह भाई वाह, अब तनी मनी जो तकलीफ रहल तो आज आप पूरा कर दे। गुड इवनिंग। हाय डैड, हाय अंकल, हाउ यू अंकल? फाइन फाइन। बाप मरा नहीं यारे, और बेटवक ना पावर हाउस देखा था ना, कितनी बार कह लिए तुहार बाप अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप,
अंग्रेजी में गिटिर पिटिर गुड इवनिंग सिविंग नहीं समझत। आई एम सॉरी डैड, मतलब क्षमा कर दी हमके, क्षमा कर दी डैड। वो कहना कि आज हमके कुछ पैसा चाहत रहे। पैसा? पैसा? हाँ। अरे भाई, 10 दिन पहले तोरी बैंक में 50,000 रुपया डालल गए है, खर्च हो गए। कर देली ना गरीबन जैसन बात। गरीबन जैसन बात? अरे शहनशाह के बेटा है, खर्चा भी था शहनशाह की तरह ना हुई। देखी तो नहीं, नहीं नहीं बात तो लड़का सो रहो आना सच कहत बा। तू नहीं के साथे बड़ा। अच्छा ही बताओ, तुम्हारी 20,000 से काम चल जाए? 20,000? कम बा। चलो 2 दिन के तो काम चली गई। 2 दिन और का? तिवारी जी, आजकल के लड़कन के देखता रहा देखता रंग कर ऐसा बात। जगमोहन भाई के बाप पे पूत मात पे घोड़ा, अरे नहीं ढेर तो थोड़े थोड़ा। रीता, तू देखा देखा इतनी बड़ी हो गई लू, लागत है अब तो हर ब्याह करे के टाइम आ गए। भाभी का बात चल अलवा। बैठी बैठी हम चाय ले। अरे नहीं रहे दा, हम चाय पी के आए ले। एगो खुश खबरी है। हम रीता के ब्याह तय कर दिली है। अच्छा, कौन लड़का है, कहाँ रहेला, का करेला? अरे अरे एक के साथ इतना सवाल, अरे बतावत है बतावत है। भाभी शर्मा गई। लड़का के बाबूजी भी वकील हवन, राम विलास जी, और हमार बहुत अच्छा दोस्त भी हवन। लड़का शैलेंद्र भी लो के पढ़ाई पूरी कर ले बारन, और आजकल हमार जूनियर बारन। ये ब्याह तो ठीक लागत बा, लेकिन जब तक हम लड़का ना देख ले, हम आपके अपने पिताजी की तरह गलती ना कर दे। अच्छा, तो हर बाबूजी कहाँ गलती कर ले रहे हैं? आपसे हमार ब्याह कही के। अच्छा, तो हम इतना खराब है, हम अभी तारा के बतावत है कि हम कितना खराब है। अच्छा, तो हम कुछ काम से बाहर जाते हैं, जौन दिन कहा लड़का के घरे बुला देव, तू और रीता दोनों मिलकर देख लिया। रीता रीता, तो तू यहाँ जाने मन। भाभी हमारे लाड़ो, लड़का तो ठीक लागत बा, तू पसंद कैला तो धूम धाम से तो हर ब्याह करवा दे। हमके शर्म आवत बा। अच्छा। हम न जइबे बड़म घर हो भाभी, हम न जइबे बड़म घर हो, हम न जइबे बड़म घर हो भाभी, हम न जइबे बड़म घर हो। हम तो लागे बहुत डर हाय हाय बहुत डर हो भाभी, हम न जइबे बड़म घर हो भाभी, हम न जइबे बड़म घर हो। Thank you.
कॉलेज में आये पूरा गर्मी आ जाला। अरे गर्मी का हमरा तो लगा था कि कश्मीर में आ गई। यार जेकरा मिल जाए वो बहुत भाग्यशाली हुई। कहे नहीं हुई चीज ही ऐसे ही है प्यारे। चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज। अच्छा तो एक भाई अनिरुद्ध वकील जौन हमरा बाप के खिलाफ पैरवी कोलस तोरा के तो ठीक से दिखने के पड़ी बेबी। May I come in, sir? Yes. मुझे उम्मीद है कि तुम प्रोग्राम की पूरी तैयारी कर चुकी होगी। Yes, sir. क्यों नहीं? तुम इस कॉलेज की होनहार छात्रा जो हो हमें तुम पर गर्व है। आज इस कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब इस कॉलेज की इज्जत तुम्हारे हाथ है। जी सर, मैं आपकी और इस कॉलेज की इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, छात्र और छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि आज इस कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ है और इस शुभ अवसर पर हमारे कॉलेज की एक होनहार छात्रा मिस रीता एक रंगारंग कार्यक्रम पेश करने जा रही हैं। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस रीता। दुनिया बिठा के पिया लेके गई है, फुलवा के सजिया पे बंद का हो गई है। घुमटा उठा के लहे गरवा हो गई है, गरवा लगा के सारी रेना जो गई है। ऐसे कटे ऐसे कटे ऐसे कटे हो रामा ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया। पटना से हरिया से मोटर मंगई है, छपरा बनारस बरेली घूमई है। सुने सड़किया हो चाहे गजरिया, सगरी गजरिया पिया पम पम बजई है। ऐसे कटे ऐसे कटे ऐसे कटे हो रामा ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया ऐसे कटे। कैसे कटे कैसे कटे कैसे कटे हो रामा ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया ऐसे कटे। बस बरेली से दो झुमका मंगई दे, एक पहिर दे तो तेजा दिखाई दे। सच सवर के जियाले बचाई दे, रुकी जई है तो गोदिया में जई दे। ऐसे कटे ऐसे कटे ऐसे कटे हो रामा ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया ऐसे कटे, रजाई बिना रतिया। कैसे कटे कैसे कटे कैसे कटे हो रामा कैसे कटे, रजाई बिना रतिया कैसे कटे। ऐसी ही गुजरी बलम संग रतिया, एक दिन देहिया में जागी दो रतिया। आई बैठवा जाई बैठवा,
बरतिया, कैसे जाई बरतिया हो, बोलो बोलो। प्रोग्राम एकदम जम गया, फंटास्टिक, मजा आ गया। अरे कल तो तुम्हारे गाने पर पूरा कॉलेज मंत्रमुग्ध हो गया था। इसके गाने और अदाओं पर तो पूरा कॉलेज दीवाना हो गया है। दीवाना होता पता क्यों नहीं, रूप के साथ साथ भगवान ने इसको कला भी तो दी है। अगर मैं मर्द होती तो इसी से शादी कर लेती। अच्छा, अगर मैं तुझसे शादी नहीं करती तो मैं आत्महत्या कर लेती। अच्छा चल चल। वहाँ इतना मजा आया, क्या करते। रीता, रीता। रीता तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? रीता तुम जानती हो ना मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ। मगर मैं तुम्हें जरा भी नहीं चाहती। ना, ना रीता ना, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं अपना बनाकर ही छोड़ता हूँ। और रीता आज मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। रीता अंकल, अंकल राणा रीता को कॉलेज से उठा के ले गया। मैं बहुत चिल्लाई लेकिन कोई बचाने नहीं है। हम इंस्पेक्टर राजपूत बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, बोली बोली काल चले भाई। अरे भाई लोग मुसीबत से छुटकारा पावे चाह लें और वो खुद ही मुसीबत के फोन कर रहल बानी। मुसीबत तो आपके साहब जादे ने दे दी है आपको, है? जो आपके गले का हार बन चुकी है। का मतलब, हम कुछ समझ ली ना? मतलब यह जगमोहन जी, आपके सपुत्र मिस्टर राणा ने एडवोकेट अनिरुद्ध की बहन मिस रीता का बलात्कार कर दिया और मिस रीता ने सुसाइड कर लिया है। अरे एकर का सबूत बा दरोगा जी की ई बलात्कार राने के लिए बा? सबूत भी मिल चुका है। अरे दरोगा जी, तो तू कौने मर्ज का दवा भाड़ा ओके छोड़ के घरे भेज दा। और सुना, तोहार जौन मिठाई सिठाई बा वो सब तोरे घरे पहुंच जाए। अब कुछ नहीं हो सकता जगमोहन साहब, क्योंकि अनुरोध का साथ मानव अधिकार वाले दे रहे हैं। दवा भी तगड़ा है और राणा गिरफ्तार हो चुका है। और सुनिए जगमोहन जी, मैं तो आपकी और अपनी पुरानी दोस्ती के नाते आपको खबर दे दी है, बाकी आप समझिए और जानिए। अब तो फैसला अदालत करेगी। नमस्कार। हेलो 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 सर, वो फोन काट देने से कौनो बात नहीं के, ई दरोगा से तो हम बाद में निपट लेव। अदालती मुसीबत, पहले ही नई मुसीबत से बचे के बारे में सोचे के बा।
मिलर्ड, जिस लड़की के बलात्कार का आरोप मेरे वकील पे लगा है, हकीकत में वो मॉडर्न सभ्यता में पली आजाद ख्याल वाली लड़की थी। शराब सिगरेट जैसे मादक चीजों का सेवन करना वो अपनी शान समझती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस तरह किसी पर आरोप लगाने के लिए सबसे पहले सबूत और गवाहों को पेश करने की जरूरत पड़ती है। मिलर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे काबिल दोस्त इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। अरे जब आरोप प्रस्तुत किए गए हैं तो सबूत भी पेश किए जाएंगे, मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। आपको अदालत अपनी बात कहने का पूरा मौका देती है, और मिस्टर अनिरुद्ध, आप तिवारी जी की बातों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। सॉरी सर। यस मिस्टर तिवारी, प्रोसीड। हाँ तो मिलर, मैं कह रहा था कि मिस रीता मॉडर्न परिवेश में पली हुई एक ऐसी लड़की थी जो मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद अपने बॉयफ्रेंडों के साथ रंगरेलियां मनाने से भी नहीं चूकती थी, और शारीरिक संबंध बनाना भी अनुचित नहीं समझती थी। मिलर, मेरे मुवक्किल मिस्टर राणा भी उसके बॉयफ्रेंड थे, दोनों में बहुत घनिष्ठता थी, दोनों हमेशा मिलते जुलते रहते थे। मिलर, हमारे काबिल दोस्त अनाप शनाप बोलकर अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, इन्हें उस दिन के हुए वाकयात पर प्रकाश डालना चाहिए। प्रकाश डालने के लिए किसी चीज की भूमिका बहुत अहम होती है मिलर्ड। अब मैं उस दिन के मुद्दे पर आता हूँ। हुआ यूं था कि रोज की तरह तय जगह पर मिस रीता अपनी सहेली के साथ मेरे मुवक्किल राणा से मिलने गई। अपनी सहेली गरिमा को बाय बाय करके अपनी मर्जी से उसके जीप में बैठ के उसके फार्म हाउस गई। दोनों ने वहां जमकर रंगरेलियां मनाई, शारीरिक संबंध बनाए, और फिर उसके बाद मिस रीता ने मेरे मुवक्किल राणा से 5 लाख रुपए की फरमाइश की। ये सुनकर मेरा मुवक्किल तो घबरा गया, वो कोई बिजनेसमैन है नहीं, बाप से पैसे ले नहीं सकता, आखिर तो एक छात्र है योर ऑनर, इतने पैसे वो लाएगा कहां से। इस बात को लेकर दोनों में तू-तू मैं-मैं हुआ, झगड़ा हुआ, और बात खुल जाने के डर से मिस रीता ने आत्महत्या कर ली। और इसका बदला चुकाने के लिए मिस रीता के भाई मेरे काबिल दोस्त अनिरुद्ध ने मेरे मुवक्किल पर बलात्कार और खून का केस कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारी मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं, अदालत को भ्रमित करने और मुजरिम को बचाने की झूठी कोशिश है योर ऑनर। मैं मिस्टर तिवारी के बयान को झूठा साबित करने के लिए मिस गरिमा को अदालत में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस गरिमा वल दयाराम हाजिर हो। इस पवित्र गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ भी कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। मिस गरिमा, आपकी सहेली मिस रीता के साथ उस दिन क्या गुजरा, आप सब कुछ सच सच अदालत को बताइए। मिलर्ड, सच्चाई तो यह है कि राणा वर जगमोहन हमारे कॉलेज का एक नंबर का आवारा और गुंडा लड़का है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यस प्रोसीड, आगे बताइए। मिलर्ड, हमारे कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं इस राणा की गुंडागर्दी से परेशान हैं। उस दिन राणा और उसके गुंडे साथियों ने जीप रोकी और रीटा को जबरदस्ती उठा ले गए। मैं बचा बचा चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ उस समय कोई नहीं आया। That's all, Your Honor. तिवारी जी, आप मिस गरिमा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। No questions. मिस गरिमा, अब आप जा सकती हैं। मिलर्ड, इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलर्ड। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। नमस्ते हुजूर।
नमस्ते। का हम बैठ सकीला? हाँ हाँ बैठा। धन्यवाद। का बात है? हमारा नाम जगमोहन है, लोग हमके जग्गू भी कहले। हुजूर, हम आपके पास अपना बेटा के पैरवी खातिर आयल बानी। वो कहे कि कुछ लोगों का कि रेप केस में फंसावे चाहता रहन। हम सच कहत बानी? हाँ सच्ची। वो बिल्कुल निर्दोष बा। हाँ हाँ, अगर वो निर्दोष हवे तो बिल्कुल बरी हो जाए। बाकी सब बात सबूत और गवाह पर निर्भर करेला। एक बात और, एकरा खातिर रहुआ के एजा आ के पैरवी करे के कोनो जरूरत नहीं है। सजा के शंका और संदेह हमारा दिल के बहुत कमजोर कर देले बा। हम अपना संदेह के दूर और अपना विश्वास के पुख्ता करे खातिर आपके पास आयल बानी। हम अपना बेटा के निर्दोष करार देवे के वास्ते आपसे पैरवी करे चाहता हूं। एकरा वास्ते जे दौलत आपके चाही, जे पैसा आपके चाही, हम सब देवे के तैयार हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ तक। आप सीधे कही ना कि आप हमके खरीदे आए। बाकी आपके मालूम नहीं थे कि हमारा शरीर में बिकाय वाला खून ना दौड़ेला। रहुआ गलत दरवाजा खटखटा देले हैं। आप अभी उठी और जाएं। जाएं प्लीज। जस साहब, दिमाग गरम तो हम जैसन गुंडन आदमी को होला, आप गरम काहे हो रहल बानी? हम लोग जैसन शैतान आदमी से दुश्मनी मोल लेब ठीक नहीं थे। आप हमार बात मान ली, यही में हम दोनों जने के भलाई बा। हाँ, आप हमके धमकी देत हुआ? ना ना, हम तो आपको समझावे चाहता नहीं। हाँ माफ करी, आपसे ज्यादा समझ हमरा के बा। आप चुपचाप एजा से उठी और जाई, वरना जस साहब हमारी बात के ठुकरावल तोहरा के बहुत भारी पड़ सकेला। पलटो इनका के बाहर के रास्ता दिखाओ। जस साहब, जग्गा के छेड़ब काला नाक के छेड़े के बराबर होला, बुझाइल। हम जात हैं लेकिन तोहरा के याद राखब। प्रणाम। तमाम गवाहों के बयानात, वकीलों की जिरह और मक्तुला के साथ हुई नाइंसाफी और उनके साथ की गई हैवानियत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राणा समाज के कैसे अपराधी हैं जिन पर रहम करना समाज के साथ अन्याय होगा। इसलिए अदालत राणा को 12 साल बामशक्कत कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाती है। अरे ये उधर ना जाए। मैं किधर मारा थवा? वो देखा पापा। अरे पापा आ गई ले। हम सब अरे भाई आपके चाय की तैयारी कर चुके रहे। अरे वाह, हमार बेटी तो बहुत समझदार बड़ी। बड़े पापा, आप शादी से कब लौटब? बेटा 2 दिन में। का 2 दिन? अरे तू तो ऐसे कहत आ रहा कि 2 दिन के ना जैसे 2 महीना के बात हो रहल बा। अरे चाचू, हमी के दिन भर इंतजार कितने भारी पड़ेला, अब 2 दिन की बात करत है ना। अरे बेटा, तू लोग से दूर रहला पर हमरो मन तो दुखी हो जाला। बाकी का करी, काम से बाहर जाए ही के पड़ेला। हम कहीं भी रही ले हमार प्राण का तू लोग के पास रहला। बस हम गई नहीं और रही नहीं। चला पनी चाय पी ली है। हाँ, हाँ, चली चली। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आप ये शैतान लोग के चक्कर में कहाँ पड़ गए बानी? ले चाय पी ली। मम्मी आप बहुत स्वार्थी हो गए हैं। जब देखा था पापा के हम लोगन से छीन ले वेली, कभी खाए के बहाने तो कभी सूते के बहाने। हम लोगन के भी मन हा कि पापा के साथ खाएं पी सोई। अब ऐसा ना चले। जसाब, जसाब जवन चोट तो हमारा के देले बारा, ओकरा से 1000 गुना ज्यादा चोट आज हम तोहरा के देब। हम उ नाग हैं जेकर डसल पानी भी ना मांगेला, जे ना बिके ओकरा के मिटावे हमारा के अच्छी तरह से आवेला। बुझला? दो मिनट बंद कर सारे के।
हम रावण के छोड़ दो, हम रावण के छोड़ दे जगह, हम रावण के छोड़ दो, हम रावण के सारा खानदान के आखिरी चिराग के हम अपना साथे ले जाते हैं। जो ना दिन हमार बेटा हमारा पास आ जाए ना, वही दिन तुहार बेटा तुहरे पास पहुंचा दिया जाए। झाइल अश्वेरिया, अरे तू का देख के हमका हुई गवाह, फिल्मेरिया हमका हीरो ले ले और छोड़ दे उका, अश्वेरिया उका छोड़ दे। तू हमका थप्पड़ मारा, मच्छरवा तो मारा, मलेरिया हो जाएगा। अरे मच्छर मलेरिया, यहाँ का मच्छर भी खच्चर है, मलेरिया हो जाए तो खर्चा भी बहुत हो जाए ना। हमरा तो काय को मारा, उधर भी मच्छर रहा, मलेरिया हो जाए ना, खर्चा बहुत हुई दवा का, और इधर भी मच्छर है। उड़ गवा ना, दवाई करनी पड़ी। दवा से याद आई क्या? अरे तू बैजी की दवा ला रहा अभी कमजोरी खातिर? कमजोरी की बात तो छोड़, तू कोनो रोकता भी खड़ा नहीं हुआ। अरे धीरे धीरे हो ना, ये फोटो देख के कब तक काम चली? ये तो ठीक है, तो फिर का करी हम? शादी कर ली। अरे कौन करी है हमसे शादी? अरे हम रघुआ के शादी ठीक कर ले वाली। अरे का कर रहा तू? फोटो बा हमरा पास। अरे दिखा दे फोटो। अरे पहले पैसा निकाला। अरे ये पैसा दिखा, फोटो दिखा। निकला देखा, गया का दिल कुछ मुंह में डालवा तो गल जाए। करा रही है चांद उतर आवा है। मार दी है गोली बिहार वाले भैया, मन गुई हार भैया। जरा कहीं के, अरे रुका हो, कहाँ जाता हो? अरे चल गए, अब ससुराल चलो मनावे के खातिर। पिंगला हमार पिंगला, अरे देखा हम काका लाए हैं। अरे भौजी कोटी कोटी प्रणाम। आई बैठी। अरे बैठे का कहाँ? अरे पिंगला कहाँ हो हमार? अरे बेटी पिंगला देखा था के आयल है? अरे ये करम जला फिर से टपक पड़न। अरे टपके नहीं, दरवाजे से आयली है। बेटी झगड़ा तो हर पति पत्नी में होते रहेला, बेचारा लेवे खातिर आयल है, चल जा साथ में, गुस्सा थूक दा। भौजी बात गुस्सा की नहीं थे तो का है? सुने चाहत हो? हाँ। अरे ना बोल। मर्दा मौका बा कोई से उपजे
अरे हमार लैला, अरे बर्बाद हुई गवा तेरा चेला, लगत है अब सन्यास लेने का पड़ी। अलग निरंजन, कब तक और कब तक कमिश्नर साहब? जग्गा ने मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरे बेटे को उठा के ले गया और पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जग्गा की बात तो छोड़िए कमिश्नर साहब, अभी तक उसके एक आदमी को आप लोगों ने नहीं पकड़ा है। मैं समझ रहा हूं, जग्गा बहुत बड़ा आदमी है, उसके मंत्रियों से गहरे ताल्लुकात हैं। जज साहब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। कहिए जज साहब। सच बात तो यह है कि पत्थर पर सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, आप सर पटक पटक कर मर जाएंगे, पर जग्गा जैसे आदमी का कुछ नहीं होगा, बल्कि वो आपके आखिरी बचे हुए बेटे को भी खत्म कर देगा। बेहतरी इसी में है कि जग्गा जैसे आदमी से आप हाथ मिला लें और केस को यहीं खत्म कर दें। क्या ये बात मैं एक पुलिस कमिश्नर के मुंह से सुन रहा हूं? क्या अपराधी शहर का कानून चलाएंगे? क्या जग्गा के आगे कानून घुटने टेक दिया है और आप सब लोग उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहेंगे? जज साहब,
आप हमारी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार करें, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और हाँ, जिस दिन आप कोई ठोस सबूत लेकर हमारे पास आइएगा, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। सबूत? सबूत लाने पर भी आप हमारे साथ नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जग्गा के पीछे कुत्ते की तरह दम मिलाने के। अरे ये भाग आ जाता है, चल भीतर, चल काम कर दे, चल चल। अमन, पापा आके हमके ले जाई, पापा आके हमके ले जाई। पापा हमके ले जाई। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार, मैं एक जज हूँ मंत्री जी। मेरे पूरे फैमिली को गुंडों ने मार दिया और मेरे छोटे बच्चे को उठा के ले गए। आप प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कीजिए कि मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लें। आप चलिए, मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाजर के हलवा हवे, ये आटा के ले, बिना चीनी के हलवा तो हम पहली बार देखत है। अरे वाह, इतना मधुर गीत। अरे तुम्हें लोग के तो गीत सुन के हमार मन गदगद हो। अरे चाचू, हमी के दिन भर इंतजार कितने भारी पड़ेला, अब दो दिन की बात करे तो वो। अरे यही बच्चा लोग तो हमार जिंदगी बा, हमार जिंदगी के खुशी बा। ये लोग के खिलखिलाहट से ही तो घर द्वार घर द्वार। हम का करी, कहां जाए, सब जगह तो जाके थाके। ए वकील साहब, बच्चा मार दे थोड़ा के। वही तुन्नो हमारा मन के हमरा पास ला सकेला। हाँ, अरुण और वरुण। हाँ, न जाने हमरे धन्नू का क्या हाल होई और हमार पारो। जुग के है दीवाना, ककरी कोट कचहरी थाना। नवका जुग के है दीवाना, ककरी कोट कचहरी थाना। बाचे पाइबू नहीं अखियां के चोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से। नवका जुग के है दीवाना, काकरी कोट कचहरी थाना। बाजे पाइबू नहीं अखियां के चोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से, तोह लहंगा उठा दे रिमोट से।
बिगाड़ी ना गुड़गाल दोनों अखियां शरारी चहक जियत मारी ना छोड़ दे इतना छाव दिखावल बीच सड़क पे भाव दिखावल छोड़ दे इतना छाव दिखावल बीच सड़क पे भाव दिखावल तौल दे हम तोहरा के नोट से तोहर लहंगा उठा देव रिमोट से सबके मैनेज हम पूरा पगला इलबानी देख के तो हर मस्त जवानी हम पूरा पगला इलबानी देख के तो हर मस्त जवानी ढीला हो गई बानी अपना लंगोट से तोह लहंगा उठा दे रिमोट से नवका जुग के है दीवाना ककरी कोट कचहरी थाना बाजे बैबू नहीं अखियां के चोट से तो लहंगा उठा दे रिमोट से अरुण वरुण चला तो यार माई मिले आई बानी अरुण भैया माई आई बा माई आई ला चला चला माई 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 किरा कैसन हाल हो तू लोगन का बेटा पता नहीं तू लोगन का काम बीतत हुई ना माई ना तो हम लोग के बारे में बिल्कुल चिंता मत करा हम लोग बिल्कुल ठीक हैं तू बस अपन ख्याल रखिया और वैसे भी माई दिन जाए में कौन देरी लागेला 7 साल यूं गुजर जाई पताओ नहीं चली उकर बाद हम दोनों भाई घर आए और अपने माई का कुल सपना पूरा करे हाँ माई हाँ बेटा हम वो ही दिन का रास्ता देखा था कब तू लोग घर आई बा तू लोगन का हाल बा ऐसने जैसे बिना आत्मा के शरीर तो उन्हीं लोगन के बिना सब कुछ सुना सुना सा लगा था हर बुरा दिन के बाद अच्छा दिन भी जरूर आवेला तू लोग जरा सबूर करा हम लोग के बाहर आते ही सब कुछ ठीक हो जाए हाँ ए, चला लो मिले के बखत खत्म हो गए अच्छा बेटा हम जात बानी तू दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिया बेटा वरुण इला बेटा एमे तू लोगन के पसंद का चीज है एक एक खा लिया हाँ हमने के खाने जा तू बस अपन ख्याल रखिया सुखीरा सुखीरा बेटा वरुण हाँ भैया
माही कितना दुबर हो गई अरुण। दिन रात हम लोगन की चिंता। ए वरुण, ए पगला, ऐसे नहीं रोए के। 7 साल में तो घरे चल जाए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं रोए के, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। भगवान सब ठीक कर दिए। भैया, ए वरुण, एक ना माई का लिया हलवा खोलना। भैया, माई के ममता का, माई के ममता का कोनो मोल नहीं खबर। हाँ भैया, माई से बढ़ के दुनिया में क्यों नहीं खे। एक रोटी और ला। बस बस भाई, होगल आज कल देखत है तो लोगन के भूख बहुत कम हो गई बा, तू एक ले ला बेटा। माई बस, जेलर साहब नमस्कार, मैं जज बीरेंद्र माथुर। अरे अरे माथुर साहब, आइए आइए, स्वागत है आपका। तशरीफ रखिए माथुर साहब, बैठिए। माथुर साहब, मुझे आपके खानदान के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि पुलिस ने अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं है। फरमाइए, कैसे आना हुआ? जेलर साहब, आपके यहां 2 कैदी हैं, अरुण और वरुण। जी, मैं इन दोनों को पेरोल पर छुड़ाने की इजाजत लेके आया हूं। ये हैं पेपर्स। हवलदार। हाँ साहब। ये कैदी नंबर 378483 दोनों को छोड़ दो। अच्छा सर। माथुर साहब, ये अरुण और वरुण बहुत अच्छे लड़के हैं, कमाल के बच्चे हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। धन्यवाद। आओ आओ बैठो। तू लोग जानल चाहत रहना कि हम तू लोग के पेरोल पर काहे छुड़ा के ले ले हैं। हाँ हाँ, तब सुना, जग्गा के बेटा एक दिन कॉलेज के एक लड़की के रेप करते हैं, ओकर केस हमार कोर्ट में आयल रहे। गवाह और सबूत के आधार पर हम ओकर बेटा के 12 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाते। और यही रंजिश में एक दिन तरह हमारा पूरा खानदान के खत्म कर दिला, हमारे घर के आखिरी चिराग के उठा के ले गई। कलश की जोना दिन हमारा बेटा लौटी, वही दिन तो हर बेटा लौटाए। न जाने कौन हाल में हमारा मन होए, कौन हाल में हमारा मन होए। जैसा आप हिम्मत रखिए और हम दोनों पर विश्वास रखें, आपके बेटा का जान बचावे खातिर हम दोनों अपने जान पर खेल जाए। फिकर मत करी जज साहब, कौन हालत में हम लोग आपके बेटा के लेके आए, ये हमने के वादा रहला आपसे। हाँ जज साहब,
तू दोनों पर ही हमरा के भरोसा बा, हमरा के भरोसा बा। हेलो, हाँ क्या डालडा गोदाम नंबर 5 में विस्फोट हो गई, लेकिन वहां कौन गोला बारूद रख रहा है? हाँ हेलो, कहाँ शराब गड्ढा उड़ा दिया गई? हेलो हेलो हेलो, कहाँ जुआ गड्ढा जला दिया गई, बर्बाद कर दिया गई? मालिक मालिक जूट मिल में आग लाग गई, जूट मिल में आग लग गई। अच्छा मुंह दिखावा एल्बा बॉस, अपने दारू के गोदाम के बम से उड़ा दे ले बा। कहाँ दारू के गोदाम बम से उड़ा दिया गई? हे भगवान, सब कहाँ हो रहा? अरे हम तो बर्बाद हो गई। अरे तू लोग खड़ा खड़ा हमार मुंह कहाँ देखत पड़ा? हमरे हमरे हार्ट अटैक के इंतजार काहे करत वाला? जाके पता कराई के कर तू था दस भाई। अरे जग्गू दादा, जज बीरेंद्र माथुर अरुण बरुण के काल पेरोल पे छोड़ा के ले गई ना। हो सकेला उन आने का करतू तो कर, हो सकेला ना वकील साहब, हो सकेला ना, यकीनन ही करतू तो नहीं दोनों का। हां सुन लेला ना, सुन लेला ना तू लोग, जाए के बस्ती के एक एक घर ढूंढा, जा उस सरवन के निकाल के चन छम मार दा। और सुना, अगर तुम लोगन के केहू भी रोके ना, उन्होंने को मार दा, मार मार के लाशन का ढेर लगा दा। जा जी बाबा, जा। वाह वाह जग्गू दादा वाह। अरे अरुण वरुण कोनो पागल हुए जोन तोरे खिलाफ जंग का ऐलान करके गांव में बैठ के तोरे आवे का इंतजार करी है? आ बैल मुझे मार मार। फिर वकील साहब का करी, हम रावण की तरह बैठ के अपने बर्बादी का तमाशा देखी, और वो दोनों हनुमान की तरह कूद कूद के हमार लंका चरावत रहे। अरे जग्गू दादा, अरे तू तो भैया दिमाग के जादूगर हुआ जादूगर। अरे दिमाग से काम ला। अरे उस ससुरन की दुखती नस पर अंगूरी ऐसन भिड़ा हुआ कि उस ससुर बिलबिला के तोरे घोड़े पर नाक रगड़े। ऐसे नहीं हुई। आज बड़ी अच्छी तरह से दर्शन हो गए। भैया धनु पारो, हनुमान जी की जय। अरे बाप रे, अरे सरदार भाग रहे, जान बचल तो लाख उपाय। ओ भाग गए सारे, चलो पाजी। की हाल है सोनिया? अरे सरदार जी, हम तो सुन ले रहे कि सरदार जी बड़े बहादुर होते, आज तो देख भी ले ली। धन्यवाद सरदार जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगता आज हम लोगों का
इज्जत बचानी है। वेलकम सोनियो, लेकिन ये धनबाद जरिया से काम नहीं चलेगा। क्यों धर्मेंद्र? ठीक परविंदर। और हम लोग साथी सकिला? ओ देखो जी, दो मुक्के चार लाते इन्नी फाइट एक दो तीन कुल मिलाकर जी हैप्पी जी करत धर्मेंद्र जी ले ले आप लोग। हम लोग एक इज्जतदार लड़की हैं। ओए इज्जत इज्जत की होंदी है धर्मेंद्र? ओए समझ में नहीं आ, इतनी मेहनत की हम दोनों ने तो मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? ठीक बात। छड़ी ना तार से गिरे खजूर में अटके। नाना सरदार जी आप लोग ऐसा ना करी। ओए छोरी, जब गुंडे को मार सकते हैं तो क्या पप्पी नहीं ले सकते? जल्दी से दे दे। अरे अरे तू लोग बड़ा बेशरम हुआ। वो तो हम ही है। तोहरा के मन ली हम आपन सजनिया, तोहरे से हमरा बा प्यार भइल हो। अरे तोहरे ही नावे लिख दिहली जवनिया, तोहरे से जिंदगी बहार भइल हो। हम आपन सजनिया, तोहरे से हमरा बा प्यार भइल हो। तोहरे ही नावे लिख दिहली जवनिया, तोहरे से जिंदगी बहार भइल हो। हम ही बन बरानी तो हर सजनवा। हाँ आई सुदिनवा हो जाए लगनवा, हम ही बन बरानी तो हर सजनवा। नहीं आला कर भी न सिजिया पे मनवा, अहिया में तोरे बन आई बदनवा। सुन सुनाए राजा जानी, सुनाए आपन मिलनवा, जिंदगी हमार तू ही तू हौ परनवा। आहा दुनिया न रोके पाई आपन मिलनवा, जिंदगी हमार तू ही तू हौ का कही। तोहरे से लागल बा दिल के लगनवा, बदनाम भइली सैया तोहरे करनवा। सुन सुनाए राजा जानी, सुनाए तू ही हवा हमार सजना।
सजनी तू ही हाँ हमार सजनी आराम खोर लोग तोहनी हमारी इज्जत पूरी तरह से माटी में मिला देला सा अरे वो दोनों बहुरुपिया और कोनो नहीं खे अरुणवा परनवा पाड़ेन तू ससुरे भेस बदल के घूम रहल पाड़ेन हमार सत्यानाश निकाल रहल पाड़ेन ना अब तू लोगन से कुछ ना होगी तू लोगन से जे कुछ भी करेगे बा हम ही के करेगे बा हम ही के सोचेगे बा अच्छा तो ये बात है जज साहब तू लोग के पेरोल पे छुड़ाई के लिए आई ले तब तक कौनो भी कीमत पर उनके लड़का के छुड़ावे की ही पड़ी पारो सिर्फ लड़का के हमरा नहीं छुड़ावे के बा बल्कि वो जग्गा का केचुल भी छुड़ावे के बा हमनी पर कईल ओकर एक एक अत्याचार का बदला लेब हम वो रामदादा के छोड़े नहीं तो देखिए हमनी के ई मौका के भरपूर फायदा उठावे के पड़ी तोहनी लोगन के काम में हम दोनों जानी भी साथ बनी हां अरे ना 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 तू लगा रजात बाड़ू कुछ हो जाए ता ना ए अरुण प्यार में देखे चाहत हुआ हमरी उड़ान के त जा जाके करियावा ऊंचा आसमान के अरे अरे तू लोग यूपी बिहार की औरत के ना जाने ला जान जाए दे पसंद ना जाए दे अच्छा तो ई बात बा तो और का ठीक बा फिर हम लोग रोज रात के यहीं मिल जाए लेकिन तू लोग का मिशन का है जग्गा के अड्डा का पता लगावे का ई पता लगावे के है कि उदानव अमन के कहां छिपा के रख ले अच्छा तू लोग माइक का ख्याल रखिए हां यह कह के पड़ी अपन भी ख्याल रखिए चला माजी माजी पाय लागू माजी खुश रह बिटिया ई का माजी तोहरा के मना कइले रही ना कि कौनो काम मत करिया काम करे खातिर हम लोग है ना तू आराम कर हां बिटिया सोचत रहली कि अब आराम करी पर हमरे नसीब में आराम कहां बा सारा सपना बालू के भी जैसन भर भरा के बैठ गेल बिटिया अब का बताई बिटिया तोरा लोगन के बहु बनावे के अरमान हमरे दिल में ही रह गई कैसन बात करे थे माँ जी हम दोनों तहार बहुए तहे अरे बिटिया 7 साल बहुत लंबा अरसा होला भला कौन माई बाप अपना बेटे के इतना दिन कुआरी रखी उतना लंबा अरसा ना लागे माँ जी तू चाह तो काले ब्याह हो सकेला का ए माँ जी तहार दोनों बेटा जेल से छूट के आ गेल बाड़े सच माँ जी वो लोगन का जग्गा से जंग चल रहल बा ना अगर वो लोग बस्ती में आई है तो जग्गा वो लोग पर कभी भी धावा बोल सकेला यही खातिर वो लोग छुपल है बस कुछ ही दिन के बाद है हमनी के ब्याह का अरमान पूरा हो जाए पंडित जी बताई ना बिया कब होए 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 ए पंडित जी कन्या से प्यार के सलाह कब होए होई होई जल्दी होई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होए सैया से प्यार की सलाह कब होए पंडित जी बताई ना ब्याह कब होए सैया से प्यार की सलाह कब होए आम लीची मुझे दाए दो आ लगन जर जर आए दो We'll be right back.
मड़वा छवाई सब साथे के जोग हुआ। अरे तब देखाओगी तब ना देख के हमरी मस्त जवानी ताना मारत लोग बा कौन ग्रह की परछाई बा फैल का बन रोग बा हिचके पतराई नहीं फेर लगाई बोली बताई ना बिया कब होई 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 आ जल्दी होई पंडित जी बताई ना बिया कब होई सैया से प्यार की सलाह कब होई पंडित जी बताई ना बिया कब होई पंडित जी बताई ना बिया कब होई पंडित जी सैया से प्यार की सलाह कब होई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई सैया से प्यार की सलाह कब होई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई सैया से प्यार की सलाह कब होई पहले एक सौ एक रुपया निकाल मिली एक सौ एक रुपया तीसरा और तैयार बा सबुन करी हमके बतलाई कहवा हमार जोड़ीदार बा करी पंडिताई चाहे करी अब उठाए बोली बताई ना बिया कब होई पंडित जी 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 बताई ना बिया कब होई बड़ा तेजी बा पंडित जी सैया से प्यार के सलाह कब होई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई सैया से प्यार की सलाह कब होई पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई सैया से प्यार की सलाह कब होई होई नू जनि भाग बीते दगा न जाने भादो कब बीती यहाँ क्या हुआ बाबा चला ma
आई थी अपनी दुश्मा गोदी में इस तवली राजा बेटा कह के माई घरवा लगव बाबा भोलेनाथ हमरा मन के बचा ला बाबा भोलेनाथ हमरा मन के बचा ला न जाने कौना हाल में होई हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत बाबा भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं के होत पता नहीं कितना देर हो गई वो लोग आई लेना पता नहीं ससुर कहां चुका कुछ पता चले नहीं जगह का अड्डा खोजत खोजत हम लोग परेशान हो गए नहीं यह ना पता चले कि ससुरा मन के कहां छिपा के रख ले होंगे फिर कैसे पता चली पता लगावे वास्ते कुछ ना कुछ तो सोचे ही की पड़ी हैं एक आईडिया बा हमारे पास का का गहरा वालों जब से चढ़ा जा बनिया सवाल हो
का बेटा बहुत फड़फड़ात रहला ना बहुत तड़पत रहला ना लेकिन फंस गेला ना जग्गा के जाल में तू ससुर दोनों मिल के हमरा के बहुत नुकसान देले बाड़ा भाई वाह सही कहत रहले बेकना तै सही कहत रहले अरे तो दोनों चाट का टुकड़ा बाटिन भाई हाँ बस कजरारी कजरारी आंख हौरी लाल लाल टमाटर नियर गाल तमीना कुत्ता हौरी हौरी गुलाब के पंखुड़ी नियर हो जगा अरे ससुरी तू का देखत बाड़े इतना टेलर है टेलर फिल्म तो वही बाद में दिखाई हम तोरे आँख के सामने ई दुनहू के नंगा नचाई नंगा कुत्ता तोरा माई बही नहीं है का तोर साथी कहाँ बा हम हो के बहुत जल्दी पकड़वाई के मगवाई बुझले अरे अरे तो पुलिस के सारे ना भाई लगा तो बस पुलिस आ गई पुलिस आ गई हां बस पुलिस आ गई एक काम करा इन तीनों को लेके पिछले दरवाजे से पहाड़ी वाली कोठी में ले जा बस जी बस अरे सांप सांप होत है चूहा चूहा होत है सांप कैसे बिल में जाते हैं और चूहा कैसे बिल में जाते हैं अरे छोड़ा बोतल छोड़ा चिमटा पकड़ा कुल्लर और मचावा हुल्लड़ जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला चल चालू अरे उतार 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 अरे चल ले चल उतार अरे वो धन्नो और पारो और चक्का का आदमी बहुत गवाह करत हुआ अरे पहले बॉस का आईदा भोग लगाइयन फिर दावत हम ही लोग के बाद में मिली ना निकल काई करत हुआ अबे कुत्ता ए बॉस क्या बात है तोरे आंखे में नून मिर्च डाल आए हाय ई त गुस्सा में कितना नमकीन लगाती है मोहन करता काट ले ये कोड़ को अच्छी दे ए कुत्ता का औलाद आवे तो हमरा अरुण के तब तक पता चली का बात है वरुण मजे में बड़ा ना ए इनका खातिर करा भाई ए बिकना इतना सुकुवार लड़की के ए तू लोग बात के रख ले बड़ा खोला खोला भाई अब का करी सरकार खोल दे तो वही मिलके ही खुरापाते तो करिए सब ओ सर्व समझदार हो गई बा भाई वाह भाई वाह तोरा के देखली तो जीरा जियान हो गए अरे तू तो चाट का टुकड़ा लागत बाड़ू भाई बिना चखने के स्वादिष्ट लगबू बुझलो हे गोविंद जी माले अरे खोल देन करा के ठीक बा माले आज रात हम इनकर साथ ही बिताई ए बहुत ज्यादा फड़फड़ा मत नहीं तो पखनवा काट के रख दे छोड़ दे जग्गा हमार अरुण आई तो तोके चिंता ना छोड़ आज तो तोरा साथ ही बिस्तर गरम कर छोड़ दे पागल के छोड़ दे मार से मार तोका छोड़ दे मरी रानी है बोलता सारे के बोलता आपके
पावेन, मार दे सारे का गोली, बचा दे पावेन। शाबाश अमन बेटा, शाबाश, चुप जा। बनु समारा चल धन्नो। सारे पवाल के चढ़ इस ससुर लई क्या था एक गोली मार देते हो न रही पास न बाजी बांसुरी बच गए सपोला बाबा तू बेटा आज तक हम समझत रहे कि हमार जिंदगी बेकार बा ई भूल गेली कि हर जिंदगी का कोई मकसद बा पर पापा ये दोनों अंकल के जेल से छुड़ा ला पापा हाँ बेटा अरुण हम तू लोग के मुकदमा लड़ा हम तू लोग के जेल से छुड़ाए ये हमार बात आ पा
तमाम गवाहों की गवाही, इकट्ठा किए गए सबूतों और वकीलों की जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अरुण वरुण बल तिलक राज के खिलाफ गहरी साजिश रची गई थी और उन्हें बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाया ही नहीं गया था, बल्कि अदालत को भी गुमराह करके इन बेकसूरों को कसूरवार ठहराकर इन्हें सजा दिलाई गई थी। अतः अदालत हकीकत जानने के बाद इस साजिश में शामिल होने वाली बिंदिया को एक वर्ष बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है और बलात्कार की झूठी रिपोर्ट पेश करने वाले डॉक्टर एस के यादव को अदालत 5 वर्ष बामुशक्कत कैद और डॉक्टर की डिग्री समाप्त करते हुए 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। वरुण वरुण को बाइज्जत बरी करती है। काल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से ओढ़निया वाली से हो गयल बा प्यार ओढ़निया वाली से ओढ़निया वाली से हो गयल बा प्यार ओढ़निया वाली से हर काल गुलाबी चाल शराबी हर काल गुलाबी चाल शराबी।